हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज हम बनाएंगे सबको पसंद आने वाले बालू सही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 कटोरी मैदा छान कर ले लेंगे। मैदे को हमें छान कर ही लेना है। तो ये मैंने मैदे को छान लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 चुटकी नमक डालेंगे। इसे भी हम छान लेंगे। 1 चम्मच दही डालेंगे। मोयन के लिए हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप चाहो तो डालडा घी भी ले सकते हो। इसे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम घी लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। इसे मिक्सी करना है, आटे को गूंथना नहीं है। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को रख दी है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। 2 कटोरी शक्कर ली है तो हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। 1 तार की चाशनी बने तब तक हम इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे और गैस हमें स्लो ही रखना है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। 5-6 ड्रॉप्स नींबू को निचोएंगे। नींबू निचोने से हमारी चाशनी लिक्विड के जैसी ही रहेगी, ये कड़क नहीं होगी। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज वाटर डालेंगे। रोज वाटर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालोगी तब भी आपके बालूशाही अच्छे ही बनेंगे। चाशनी को चेक करेंगे। अभी चाशनी में तार नहीं आया है तो हम और पकाएंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे। देखिए हमारी चाशनी में 1 तार आ गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे। ये हमारा आटे में 15 मिनट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे इस तरह से करेंगे। इसी तरह से हमें 5-6 बार करना है। ये मैंने 5-6 बार इस तरह से कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। और इसकी हम एक लंबी वेल बनाएंगे। ये वेल बन गई है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब हम एक लोया उठाएंगे और ये लेयर वाला पार्ट हम नीचे रखेंगे और इसका राउंड राउंड शेप देंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बीच में खड्डा करेंगे। इसी तरह से हम सभी बालूशाही बना लेंगे। ये हमारे सभी बालूशाही बन करके तैयार है। अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए मैंने गैस पर घी को गरम रख दिया है। आप घी या तेल कुछ भी गरम रख सकते हो। तो हम घी को चेक करेंगे। ये हमारा घी गरम हो गया है। गैस को हम स्लो रखेंगे। स्लो गैस पर ही हमें बालूशाही को तलना है। अब हम एक एक करके डालेंगे। थोड़ी देर हमें इसी तरह से पकने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। 2 मिनट के बाद हम इन्हें पलटेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी तल देंगे।
ये हमारे बालू सही अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इसे तलते हुए हमें 10 मिनट लगे हैं। ये हमने स्लो गैस पर ही तले हैं, इसे स्लो गैस पर ही तलने हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे और इसे निकाल कर हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। ये हमारी चाशनी भी अभी गर्मी है, तो हम गरम चाशनी और बालू सही भी गर्मी है, तो अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये चाशनी पी रही है तब तक हम ये बालू सही भी तल देंगे इसी तरह से। छः सात मिनट के बाद हमारे बालू सही ने अच्छे से चाशनी पी ली है, तो अब हम इन्हें निकाल देंगे। ये हमारे बालू सही बन करके तैयार है। अब हम इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश करेंगे। इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। वाओ, हमारे बालू सही बहुत ही रसीले बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बालू सही की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।